घेवर खाया जा रहा है। मम्मी लाइए घेवर बढ़िया वाला, आप भी खाओ। आप सभी को राम राम। मैं हूँ आपकी अपनी मंजू शर्मा और मैं जा रही हूँ क्लास में। क्लास का टाइम हो गया है, मौसम काफ़ी सही है, धूप नहीं निकल रही है आज, हवा चल रही है काफ़ी अच्छी। चले मुनी चले, चलो चलो क्लास चलो। वैसे मरियल सा है, क्या करेगा क्लास जाके। चलिए तो चलते हैं क्लास। तो हम चले मंदिर, चले लोटे वोटे लेके चल दिए। देख दोनों चप्पल उल्टी कर रखी है, दोनों चप्पल एक साथ नहीं ठीक है। बस क्या है बदतमीज, चल गेट लगा ले। तो कान्हा जी हमारे हो गए हैं रेडी, और कान्हा जी आज खाएंगे व्रत का खाना हमारे साथ। तो कान्हा जी और दूध पियेंगे साथ में। तो कान्हा जी भोग लगाओ, बोलो राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। मतलब उस समय पानी डाल देती उसमें। तो खाने में है आज पंखुड़ी, मेरे हाथों की मेहनत, मेरा हाथ टूट चुका है जिसमें। तो ये सारा दूसरी कढ़ाई की ले ली तूने, इसमें ही भूना है। मैं क्या बताऊं, तुम्हें भून लो कढ़ाई में। पंखुड़ी मेरे मुंह पे लग गई है, मेरी उड़ाई तो दीदी को उड़ानी नहीं आती। ये है चाय साथ में बनाना शेक। बर्फ वाला भाई, बर्फ निकाल के लाला, बर्फ निकाल के लाला, क्योंकि बर्फ है नहीं। और बेटा वो नालायक, बर्फ जब आई थी मैंने कहा इतनी बड़ी बर्फ तोड़ी क्या। चलो करते हैं नाश्ता, ये तो पागल है दोनों। मेरा लंच है, ये मेरी मिजोल है जो मेरे मुंह में है, बनाना फ्लेवर इसमें नहीं रखी मैंने। और ये मम्मी है, मैंने पराठा बना ली, ये है मेरा पराठा, फटाफट से बन के यहाँ पर रख दूँगा। और शाम हो गई है, अब मैं थोड़ा सा चाय बनाऊंगी। और चाय बनाने से पहले याद आया कि थोड़ा आज चाय थोड़ी अलग तरह से बनाते हैं। तो आज बनाएंगे हम पहले चाय का मसाला, उसके बाद पियेंगे हम मसाले वाली चाय। और ये देखो वो रही बेबी, दिख रही है बेबी पीछे वो रही। तो बेबी को बुलाएंगे मसाले वाली चाय। बेबी मसाले वाली चाय पियोगी? तो चलिए बनाते हैं मसाले वाली चाय। तो चाय का मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हम ये लेंगे हरी वाली इलायची, और ये क्या है सिनेमन सीड, क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं हिंदी में, दालचीनी, सिनेमन कहते हैं ना इंग्लिश में। तो हाँ, ये दालचीनी, और साथ में ये एक जायफल, एक बड़ी इलायची, सौंफ, काली मिर्च, और ये हमारी लौंग। अब इन सबको हम धीमी आंच पे कढ़ाई में भून लेंगे। तो मैंने गैस पहले से चालू कर रखी थी और ये थोड़ा सिम कर रखी है, और धीमी आंच पे भूनेंगे। ये देखो धुआं निकलने लग गया है। और ये देखो धीमी आंच पे भी बहुत जल्दी मतलब भुनने लगे हैं, और मैंने गैस बंद कर दी है। तो ये मैंने बाहर निकाल लिए हैं, और खुशबू भी काफ़ी अच्छी आ रही है इनकी। अब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा, उसके बाद हम इनको पीस लेंगे। तो ये मसाला मैंने पीस लिया है, और ये काफ़ी बारीक हो गया है। और इसमें मैं अलग से तुलसा जी नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि हम जो खाना जी को तुलसा जी रखते हैं वो सब मैं चाय की पत्ती के डब्बे में डाल देती हूँ, तो इसलिए अलग से डालने की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो इतने हमारी चाय बन रही है, इतने हम अपने मतलब खाने की तैयारी कर लेते हैं थोड़ी सी। और इधर मैंने घिया विया काट के रख लिया है, सब्जी आज घिया की बनाएंगे। साथ में बनाऊंगी मैं एक थोड़ी सी अलग डिफरेंट तरह की दाल, जिसमें मतलब प्याज लहसुन वगैरह कुछ भी नहीं पड़ेगा, और थोड़ी सी अलग बनाएंगे तड़का लगा के बढ़िया सा एकदम। तो उसके लिए हम चार तरह की दालों का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले जो मैं डालूँगी वो डालूँगी
ये हरड़ की दाल। तो ये सभी दाल जो है मैं इस कटोरी के मेजरमेंट से कर रही हूँ, हाफ ऑफ कटोरी। तो ये गई हरड़ की दाल और ये है मूंग की दाल बिना छिलके वाली। और ये है उड़द की दाल बिना छिलके वाली। और साथ में लेंगे चने की दाल। तो ये चने की दाल है। अब इनको अच्छे से धोएंगे और धोने के बाद इनको हम करीबन 15-20 मिनट के लिए मतलब भिगो के छोड़ देंगे, जिससे कि दाल हमारी थोड़ी सी हो जाए, मतलब फूल जाए थोड़ी सी। तो ये चाय हमारी बिल्कुल ऑलमोस्ट पक गई है। अब इसमें डालेंगे हम मसाला। तो ये सिर्फ 2 कप चाय है तो इसलिए मैं ये थोड़ा सा मसाला डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस थोड़ा सा मसाला डाल के। और चीनी मैंने इसमें डाल दी है, तो ये चीनी भी और ये सब अच्छे से, मतलब अब हमें बस ये ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड के लिए इसको पकाना है। 30 सेकंड पकाना है मसाला डालने के बाद। और ये चाय हमारी रेडी है। लो तुमको चाय, तुम्हारी चाय मसाले वाली। हाँ, अलग चाय। तो कुछ लग नहीं। अलग क्या इसमें, क्या कुछ वो होएगा? चाय तो है, बस ये कि मसाले वाली चाय है। मसाला है, मसाले वाली चाय है ये। इसे भी पीनी है। तुझे भी पीनी है? कैसे? क्या पी के देखो, होटल की चाय ना भूल जाओ तुम। नहीं ऐसा नहीं है कि कुछ ज्यादा है या कुछ कम है। देख ब्रूना, मतलब थोड़ा सा अलग एकदम टेस्ट आ रहा है। चाय बिल्कुल मसाला परफेक्ट है। हाँ, ऐसा नहीं है कि मसाले वाली चाय है तो मसाला झोंक दो इसमें। तो इस पे मैंने दाल रखी है, जो दाल मैंने भिगोई थी, तो 15-20 मिनट मैंने भिगो के उसके बाद कुकर में चढ़ा दी है। अब ये सब हम उघाड़ के ही पकाएंगे, मतलब सीटी नहीं लगाएंगे। और अभी इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला है। अभी मैंने इसके ऊपर ये जो झाग सा आया है, पहले मैं ये निकाल दूँगी। और ये चढ़ानी कैसे है आपको, इसमें आपको जितनी आपकी दाल है, अगर आप उघाड़ के पका रहे हैं तो आपको उससे 5 गुना पानी डालना है। अगर 1 कटोरी दाल है तो आपको 5 कटोरी पानी डालना है। अगर आप सीटी लगा रहे हैं तो आपको 4 कटोरी पानी डालना है। तो इसमें मैं आप क्या डालूंगी, इसमें डालूंगी मैं नमक, हल्दी, और साथ में थोड़ा सा ऑयल। तो यहाँ पर रिफाइंड ऑयल यूज़ कीजिए, सरसों का तेल ही, मैंने स्मेल आएगी इसमें, तो आपको रिफाइंड यूज़ करना है। और तेज पत्ता 1 और 1 बड़ी इलायची। फिर इसको हमें पकने देना है। और ये जो झाग से इसमें आ रहे हैं अभी, वो आपको निकाल देने हैं। और इसको उघाड़ के ऐसी बस हल्का से इस तरह से ढक के आपको पकने देना है। इतने आप अपना बाकी का काम कर सकते हैं जो भी है। तो ये अपना धीमी आंच पे पकती रहेगी। एक तरफ मैंने घिया की सब्जी छोक दी है, तो उधर घिया की सब्जी बन रही है, इधर मैं अपने चावल छोक ले। बहुत तेज बारिश होने लग गई है, बहुत ही तेज़ हो रही है। और इधर दाल हमारी हो गई है, वो हम फटाफट से तड़का लगा लेंगे, क्योंकि चावल भी बन गए हैं, सब्जी भी बन गई है घिया की, और आटा भी मैंने मांड लिया है। अब बस इसमें तड़का लगाना बाकी है और सिर्फ रोटियाँ सेकनी है। तो फटाफट से तड़का लगाएंगे। तो इसमें हम सबसे पहले तेल रिफाइंड डाला है मैंने, तो गरम कर लिया। आप चाहो तो देसी घी में भी तड़का लगा सकते हो। तो सबसे पहले हम डालेंगे इसमें ज़ीरा, और थोड़ा सा ज़ीरा हमारा हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे साबुत लाल मिर्च। और गैस को आपको धीमी रखना है, वरना ज़ीरा और लाल मिर्च हमारी सब जल जाएंगी। और थोड़ी सी हींग,
हींग डालना कंपलसरी है क्योंकि उसमें उड़द की दाल है तो वो बाधी करेगी, इसलिए हींग जरूर डालना। तो ये हमारा हो गया है, अब इसको मैं गैस को उसको थोड़ी देर के लिए बंद कर देती हूँ जिससे कि हमारे मसाले हैं वो जले ना। तो इसमें मैं डालूँगी, तो ये एक मैंने पाउडर बनाया है और इसमें मैंने डाली है 5-6 काली मिर्च, 5-6 लौंग और साथ में थोड़ा सा साबुत धनिया। तो इन सबको मैंने पीस लिया है इस तरह से। आप चाहो तो अगर आपके पास कोई कुछ कूटने वाला हो तो आप कूट के भी डाल सकते हो। और तो ये हम डालेंगे इतना करीबन आधा चम्मच। गैस बंद कर देनी है आपको, तो ये डालना है और साथ में हम इसमें डालेंगे मेथी, हम बाद में डालेंगे, पहले डालेंगे हम टमाटर और हरी मिर्ची। ये मैंने छोटे छोटे 3 टमाटर लिए हैं। तो ये मसाला हमारा कुछ इस तरह का हो गया है, मतलब टमाटर हमारे गल गए हैं। डालेंगे इसमें हरी मिर्च और आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालना। मैंने इसमें 2 हरी मिर्च डाली है, इसलिए मैं थोड़ी कम ही लाल मिर्च डाल रही हूँ। और हल्दी वगैरह तो हमने इसमें डाली दी थी। अब साथ में हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी। तो ये मैंने दाल में तड़का डाल दिया है और अभी हम इसे ढक के 5 मिनट के लिए और पकाएंगे। तो दाल हमारी अच्छी तरह से पक गई है और अब भी इसमें हम डालेंगे खूब सारा धनिया और साथ में डालेंगे घी देसी वाला। और ये दाल हमारी हो गई है तैयार। थोड़ी अगर आप और गाढ़ी खाते हो तो और गाढ़ी कर सकते हो। तो कान्हा जी का खाना हो गया तैयार और कान्हा जी आप भोग लगाओ। तो यह दाल, चावल, सब्जी, रोटी और सैलेड, सैलेड में खीर रही है बस, और साथ में ये मीठे में घेवर है जो मम्मी लेके आई है। तो कान्हा जी भोग लगाओ। राधे राधे, जय श्री राधे। लो देवता, मतलब ऐसे करता है जैसे मैं बैठी हुई हूँ और इतनी देर से खाना ही तो बना रही थी। ले चल देख, सब तेरी पसंद का बनाया है। देख चावल कितने टेस्टी वाले बनाए हैं। पनीर तो नहीं है? चम्मच ला के दे सर। खीरा ना दिए सर? ये चल रहा है खाना। नानी बोलेंगे सब्सक्राइब करो। बाय 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 बाय, ला रही हूँ।